आज हमें मैथ रो सुपर इंपोर्टेंट चैप्टर डिस्कशन करेंगे स्टैटिस्टिक्स। ऑलरेडी यार ओपीएससी एस रो सबबेले स्टैटिस्टिक्स रो क्वेश्चन उठछे, तो अपन से मीन मीडियन मोड अपन से जदि अपन एनसीईआरटी फॉलो करछन तो डेफिनेटली सेतिक अपन काम बन जइबो, सेतिक रो क्वेश्चन उठिया कथा उठिबो। मो से बिषय रे डिस्कशन करबी, वीडियो को एंड पजन देखिबे, बुझिया पय चेष्टा करबी। मु टिक स्पीड करबी, जो मन को स्पीड लागो देखरी स्लो करके 0.75x से देखि नेबे, जो मन को स्लो लागो जो ने चैप्टर ऑलरेडी यार पढिछ 1.25x से देखि नेबे, टाइम को सेव कर परबे, बिकॉज़ एटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जते अपन स्लो हेबे सेते अपन पिलांगो लैग कर कर जइबे। क्लास नंबर 90 रे जानी ऑलरेडी आपन इंग्लिश हो गला, आपन रीजनिंग हो गला, आउ आपन मैथ रहला, तीनटा क्लास मु कंटिन्यू करूची। आपन जाई चैनल विजिट करके सब तक इंग्लिश रो क्लास देखे, बिकॉज़ इंग्लिश एंड नियरली सब तक कवर अछि, आउ किछ लॉजिकल क्वेश्चन करे दी। ओके, तो देन क्लास टू स्टार्ट करिया। स्टैटिस्टिक्स मने कि 10th क्लास रो सीबीएसई रो पिक करछि बहुत गुडी जिंस, सब तक नॉर्मल वे रे आपन बुझाय पय चेष्टा करबे, आपन सब तक इजीली यार बुझी परबे, एग्जाम रे डेफिनेटली क्वेश्चन बनिबो आ समस्त करके आसी। ओके, तापुर पर कोची ओपीएससी एस रो टेलीग्राम मोर बडे बैच अछि, जोडी मु एमसीक्यू डिस्कशन करछि। पेड बैच कोइ परबे किछि पिला फ्री बैच भी कोइ परबे, बिकॉज़ फ्री रे भी बहुत पिला जॉइन करछन, बिकॉज़ समस्तक फाइनेंशियल कंडीशन ने ठीक नथाय, सेति पय रे बहुत पिलांको फ्री रे जॉइन करछि। जो माने फाइनेंशियल कंडीशन वीक अछन्ति आ तो माने पढिया पय चाहौछन, तो माने जॉइन करे। आ जदि आपन बारे ठीक ठाक पैसा अछि, जदि मोर डेडिकेशन लेवल जदि किछि अछि, डेफिनेट आपन 149 पे करके जॉइन करि परबे, किछि बडा अमाउंट न, एई नंबर आपन पे करके एई नंबर आपन स्क्रीनशॉट पठाइ देबे, क्विच बैच रे ऑलरेडी जॉइन हिजे। देखुन डेली प्रमोशन करिया पय पड़छि, बिकॉज़ किछि पिला जानि परन्थन, सेति पय प्रमोशन ना कि मुझे कहीं बैच जॉइन करो सिलेक्शन नहीं पड़ा, सेमती यार जमा भी नो। आपन जानते हैं निजो प्रिपेरेशन निजो ऊपर डिपेंड करे, आपन केमती पढ़ुछन्ती, मुझे तो सब तक क्वेश्चन करदेवी। इंग्लिश आपन डेली 50+ एमसीक्यू, ओडिया 50+ एमसीक्यू, मैथ करदेवी, जीके करदेवी, करंट अफेयर सब करदेवी, बट आपन प्रिपेरेशन आपन निजे जानते, आपन पढ़ले कौन सिलेक्शन हो पड़े, तो से प्रैक्टिस करूँ। आप आसी जॉइन करेंगे, से टेलीग्राम अच्छे सब तक पोल फॉर्मेट रे क्विज पड़ी, आपको गोटे एग्जांपल देखिए जो जानना से जानते। ओके, देखते यार ये तो ऑलरेडी यार पीडीएफ सब तक दूसरी, ये जो ग्रुप रहा नियोले 2500 पिला है, आज आप 2498 होते डेफिनेट आउट पर 2500 पिला है, देखिए ये आपको क्विज फॉर्मेट आसो, क्विज को आंसर देखने चेस्ट करेंगे। करंट अफेयर आप सब तक होगा, सब तक पीडीएफ आप क्लास एंड में आपको सब तक आराम से साधे अवेलेबल अच्छे। ओके, जॉइन करा इच्छा अच्छे, आप जॉइन करेंगे, से यही नंबर डायरेक्ट मेसेज कर देते, आप व्हाट्सएप में सबकी इनफर्मेशन सब तक पाइबे, आशा करते समस्त बुझीगले। आई विषय बैच विषय किसी कहीं, ओके, जो मैंने अच्छा से विषय जानते। ओके, तो बर्तन जहाँ मीन को बुझे चेस्ट करें, मीन गोटे नॉर्मल जिन समस्त कहीपरेंगे, आवरेज को भी आप मेन कहे जमी यार आवरेज को मेन कहला। देखो यार आप स्कूल धोने 5 पिला थे, कौन कहे 5 पिला थे एक्जाम कंडक्ट कराला, कौन कहे एक्जाम कंडक्ट कराला, एक्जाम 25 मार्क टोटाल था, 25 पिला स्कोर कौन कले, देखो गोटे पिला 12 स्कोर कला, आ गए पिला 13 स्कोर कला, आ गए पिला 14 स्कोर कला, आ गए पिला 15, आ गए 16, इतनी धन आप स्कोर कले पिला। तो डेफिनेटली क्लास भी जन किए एंट्री करेंगे, हेडमास्टर एंट्री कले, पचारे क्लास मीन स्कोर के, तो डेफिनेटली सी चाहूँ क्लास मीन स्कोर जोटा क्लास मन रखे आवरेज कर भी सही से पचार, कौन कहली मीन मान आप आवरेज कहे, आउ जमा भी डरवे देखिए एफ वन कौन एफ टू कौन एक्स वन कौन एक्स टू कौन ए विषय जमा देखिए डर दरकार नहीं, आप आराम से सब जिन बुझीपारे। ओके, तो मैंने क्लास से पचारे सी गोटे गोटे पिला पचारे तोर के तोर के तोर के एमती पचारे, से पचारे क्लास मीन के कि आवरेज के, तो आम मीन फर्मुला कि आवरेज फर्मुला सम जानते। ओके, सम अफ द अब्जर्वेशन कौन कहे सम, ओके सम अफ द ऑब्जर्वेशन कौन कहे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कौन कहे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कौन कहे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इतनी देर समस्त बुझे, तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन माने कौन ठीक होने 12 आप 13 14 15 16 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये गोटे ऑब्जर्वेशन, ये गोटे ऑब्जर्वेशन, ये गोटे ऑब्जर्वेशन, ये गोटे, ये गोटे, तो डिवाइडेड बाय 5, तो सब तक हमें ऐड करके चेक करता कितने आप पहुंचे, तो यहाँ आप 25 हो गला, 25 आप 30 आउटे आप 15 ये तीनटा आड करते आप 0 हो 3 × 5 6 कौन कहे 3 × 5 तो मैंने 60/5 कौन कहे आप बनीगला 60/5 तो बार आप राइट आंसर समस्त एटी कर पिक करते आउे मुझे कैलकुलेशन का भूल हो आउे चेक कर दूसरे तो आप बनीज 30 40 50 60 60 सरी आप 70/5 मुझे 60 लिखी 70/5 ओके 70/5 आप 1/14 तो मैंने डेफिनेट कम पाइल आप 14 कम पाइले ये आप कम पाइले ठीक कहते मीन पाइले आपको आवरेज भी कहीपरेंगे कौन कहे आपको आप आवरेज भी कहीपरेंगे तो समस्त बुझीगले मीन आउ आप आवरेज मैंने तो मैक्सीम कहते सर आप तलटा तो बुझीगलु एफ वन एफ टू एफ थ्री मैंने ये गोटे गोटे नंबर अफ अब्जर्वेशन सब तक मिसीगले आप लिखीदे 5 बट ये एफ वन एक्स वन लिखाई तो ठीक अच्छे मन रखिए जो एफ वन जो बनती एफ वन मैंने गोटे एफ टू भी से गोटे कारण ये रिपिटेशन किसी बनने रिपिटेशन मैंने 12 13 14 15 16 ये कौन से नंबर रिपिटेशन है रिपिटेशन है से आम एमती जदि एमती था दुटा बार था तो आम एफ वन एफ जो एटा रहा आम एफ वन जगह 2 लिखि पारिथानपर आप एफ टूटा कितने था 1 होता कारण एफ टूटा 13 गोटे अच्छे 13 3 था तो एफ टू जगह 3 भी मल्टीप्लाई कर पारिथान आशा करें मो कथा समस्त बुझीगले ये आप एफ वन वन एफ टू वन एफ थ्री वन बिकज गोटे गोटे अच्छे 13 12 गोटे था 13 गोटे था 14 गोटे था 15 गोटे था आशा करें समस्त बुझीगले समस्त डाउट मुझे क्लीयर कर देती जब से आप ग्रेजुएट लेवल पिला अच्छा यार ये समस्त बुझीपे नेक्स्ट होती ठीक होती आप गोटे एक्जाम्पल अच्छे देखिए एक्जाम्पल आंसर देखें चेस्ट करते कहते फाइंड द मीन से कहते मीन काढ़ चेस्ट करते
ଏଠି ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଫସିଗଲେ, କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ମୁଁ ଏବେ ହିଁ କହିଥିଲି ଏ ସବୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମାର୍କ ଅପଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି 10, 20, 36 ଇଏ ତ ମାର୍କ ଅପଟେଣ୍ଟ ସବୁତକ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ କେତେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ସେଟା କ'ଣ ଆପଣ ଆନ୍ସର ବନିଯିବ କି? ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଆର୍ ବନିପାରିବ, ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ 36 ରଖୁଛନ୍ତି 36 କ୍ଲାସ୍ରେ କେତେ ଜଣ ରଖୁଛନ୍ତି? କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲା କେବଳ 36 ରଖିପାରିବ ନା ୟାର, ତିନି ଜଣ 36 ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କହିଲା। କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ମାର୍କ ଅପଟେଣ୍ଟ ଏକ୍ସନ୍ ଡେଫିନେଟ୍। ୟାର କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମୁଲା ବନିଛୁ, ମୁଁ ଆପଣ ଫର୍ମୁଲା କହୁଛି ସମେସନ, ଓକେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମେସନ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିବେ ସମେସନ ଅଫ୍ F1 X1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ସମେସନ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମେସନ F1 ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିଛି ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ମିନ୍ର ଫର୍ମୁଲା କୁହାଯାଏ, କି ଆପଣ ଆକୁ ଆଭରେଜ୍ ବି ଫର୍ମୁଲା କହିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ସମେସନ ଅଫ୍ F1 X1 କ'ଣ ମନେ ଥିବେ ଆ ସହିତ ଆର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ, ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ 10 ମାର୍କ କେତେ ଜଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଜଣେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ 10 ଆଡ୍ କରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ 20 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ମାନେ +20 ଆଡ୍ କରିବା, ତ 36 ମାର୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଜଣେ ରଖୁଛନ୍ତି? ୟା ଜମା ବି ନୁହଁ, 36 × 3 କ'ଣ କହିଲେ 36 × 3 କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 40 × 4 କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 40 × 4 କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ସବୁ ତକ ସେମିତି ଆଡ୍ କରିବେ 50 × 3, ବିକଜ୍ ୟାର 50 ମାର୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଣେ ରଖିଥାନ୍ତି, 3 ଜଣ ରଖିଥାନ୍ତି, ତ 3 ଜଣକୁ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଆପଣ ଯେତିକିଟା ଏଇଟା ଅବଜରଭେସନ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ମୋ କଥା ବୁଝିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ସେଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଛୁ। ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଛେ 10 ମାର୍କ ଜଣେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଏଇଟା 10 × ଆପଣ 10 × 1 ଜଣେ, ଓକେ 20 × 1 20 ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 36 × 3, ତ ଡେଫିନେଟ୍ 108 ହେଇଯିବ, ତ ଆମେ 108 ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ସମେସନ FXI ବା ତା ମାନେ ଆମେ 10 ରହିଲା, ତା ସହିତ 20 ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ 108 ହେଇଗଲା, ତାପରେ 160 ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆପଣ 150 ହେଇଗଲା, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ କେତେଟା, ଏ ସବୁତକ ମିଶିଦେଲେ, ତା ମାନେ ସବୁତକ F କୁ ମିଶିଦେଲେ ଆପଣ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି? 30 ପାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ 30 ପାଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆର ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ପଚାରି ପାରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରି ପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଇଜିଲି ସବୁତକ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 30 ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ଆପଣ କେତେବେଳେ 59.3 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମିନ୍ ସ୍କୋର କହିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣ ମିନ୍ ଆପଣ ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ ବି କହିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିଗଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିବା ନଥିଲା, ଆପଣ ନର୍ମାଲ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ବଟ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଆସିଲା, ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ମାନେ ଯଦି ଏମିତି କହିଲା କ୍ଲାସ୍ରେ 10 ରୁ 25 ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି 5-2 ଜଣ, ଏମିତି ପଚାର, ଏମିତି ତ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଆସେନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କହିଦେଉଛି। 10 ରୁ 25 ଭିତରେ ଯଦି 2 ପିଲା ରଖିଲେ, ସେମିତି କହିବେ 25 ରୁ 40 ଭିତରେ ଯଦି 3 ପିଲା ରଖିଲେ, ବିକଜ୍ ୟାଙ୍କର ମାର୍କ ଫିକ୍ସ ନାହିଁ ଯେ କିଏ 36 ରଖିଥାଇପାରେ, କି ଆପଣଙ୍କ 22 ରଖିଥାଏ, ସରି 22 ତ ନୁହଁ, କି ଆପଣଙ୍କର 28 ରଖିଥାଇପାରେ, କି 36 ରଖିଥାଇପାରେ, କାହାର କେତେ ମାର୍କ ମୁଁ ଜଣାନି, ବଟ୍ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଦେଇଥିଲା। କ'ଣ କହିଲି କ୍ଲାସ୍, ବସ୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ନର୍ମାଲ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ୱେରେ କହିବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଏଠି କାହା ସହିତ କରିବେ, ସେଠି ତ ଆପଣ ନର୍ମାଲ କ'ଣ କଲେ ଯେଉଁ 40 ଥିଲା 40ରେ 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 160 କରିକି 160 ଆଧିରେ ଆଡ୍ କରିଦେଲେ, ବଟ୍ ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କାହା ସହିତ କରିବେ, କ'ଣ 10 ସହିତ କରିବେ ନା 25 ସହିତ କରିବେ? ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରେ ଆର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅପର ଲିମିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ ବାଇ 2 କରିନେବେ। କ'ଣ କହିଲେ ଅପର ଲିମିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ ବାଇ 2, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଜାଣିନାହିଁ ସାର୍ ଅପର ଲିମିଟ୍ କେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ କୁହାଯାଏ, ମନେ କୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଅପର ଲିମିଟ୍ କହିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ କହିବେ। ଓକେ, ତ 10 ଆଉ 25 ତ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 କରିବା, 10 + 25 / 2 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କେତେ ହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣ 20 × 10 = 30, 35/2 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କେତେ ହେଲା 17, ଓକେ 17.5। ଓକେ, ତ 17.5 ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା କାହା ସହିତ, 2 କୁ, ସେମିତି ଏଇଟାରେ କେତେ ବନିଯିବ, ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଆପଣଙ୍କର 32.5 କୁ 3 ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ବିକଜ୍ ଯଦି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଦେଇଥିବ, କ'ଣ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଦେଇଥିବ ତାର ଆପଣ ମିଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କାଢ଼ିଦେବେ, କେମିତି କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ମିଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି କାଢ଼ିବେ, ଅପର ଲିମିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ ବାଇ 2, ଯଦି ଏମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଡେଫିନେଟ୍ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ତକ କରିକି ଦେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ବନିଗଲା କେତେ 17.5, ଓକେ ଯେଉଁ 25 ଆଉ 40 ରହିଲା ଆର ବନିଗଲା 32.5। ଏବେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଆମେ ଇଜି ହେବ, ତାପରେ ସମେସନ ଅଫ୍ FIXI ବାଇ ଆପଣ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି, ଏଠି ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିଲେ କି ସାର୍ ମୁଁ 10ରେ କରିବି କି 25ରେ କରିବି, ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ବିକଜ୍ ଆଙ୍କର ମିଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଲି ମିଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି, ସେମିତି ଆଉ ଦୁଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି 32.5 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି 97.5, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ସବୁତକ ମିଶେଇକି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ମାନେ 30ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ପାଇଯିବେ। ଏ ସବୁତକ ମିଶେଇଲେ ଆପଣ କେତେ ବନିଗଲା 1860 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 30ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ 6 2 62 ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। କେତେ ଇଜିଲି ଆର୍ କାଢ଼ିଦେଲେ ନା, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଦେଲା ଏମିତି ବନିବ, ବଟ୍ ନର୍ମାଲି କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଆସିବନି, ଆପଣ ମିନ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିବ, ଆପଣ ଇଜିଲି କରି ପଳାଇଆସେ। ନେକ୍ସଟ ଯା, ଓକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମିଡିଆନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କହିଲେ ମିନ୍ ତ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡିଆନ୍, ଯଦି ମିଡିଆନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦୁଇ ଜାଗାରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି N+1/2 ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା, N/2 ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କ'ଣ ମିଡିଆନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ, ଯେ ଆପଣ ନମ୍ବର ଦେଉଛୁ ଗୋଟିଏ 2, 3, 4, 5, 6, 7 କେତେଟା ଅଛି, 3, 6 ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଆପଣ 8 ଅଛି।
तो मतलब कहे ये जो नंबर अच्छे यार कौन आर मीडियन के कौन कह मीडियन के डेफिनेट आम शब्द को सजेदे कौन कह शब्द सजेदे आप छोटू बड़ आकार शब्द को सजेदेवे आप कौन काढ़े मीडियन को काढ़े ठीक अच्छे मीडियन के काढ़ी पार्टी आप बुझे देखते यहाँ के नंबर अच्छे फर्स्ट काउंट करेंगे गोटे दुटा तीन टा चार पांच छा सतटा तो मैंने सतटा अब्जर्वेशन अच्छे कौन कहे सतटा अब्जर्वेशन अच्छे तमें इवन आउट ठीक यार अड्ड अच्छे तो डेफिनेट आम कौन करेंगे यहाँ कौन गोटे एन नंबर जोटा कि अड्ड बनला तो अड्र फर्मुला होती है एन प्लस वन बै टू कौन कहे अड्र फर्मुला होती है एन प्लस वन बै टू तो एन मैंने कौन नंबर अफ अब्जर्वेशन नंबर अफ अब्जर्वेशन सतटा था सत प्लस वन बै टू जोटा कि आठ बै टू चार तो चार नंबर प्लेस कौन कहे फोर्थ नंबर प्लेस जी बनी बस आम कौन कह ठीक से आप मीडियन कह कौन कहे मीडियन कह समेत बुझे तो मैंने वन टू थ्री फोर तो डेफिनेट आप कौन बनी गला पाँच ये क्वेश्चन आप मीडियन सेमती आप निजे क्वेश्चन फर्मेसन करेंगे आशा करते समस्त बन पारे बट जिते बेले आपर कौन पलैस आपर कौन आसो ठीक देख पारे ये इवेन नंबर आसो कौन कहे इवेन नंबर आस इवेन मैंने जब आप लिखे टू फोर सिक्स एट नाइन टेन ओके देख पाते छटा छटा मैंने इवन नंबर जब आप इवन नंबर आसा से कम करेंगे सेठ कौन करें पड़ो मन रखे दुटाक करेंगे आवरेज काढ़े कौन कहे आवरेज मैक्सीम भूली जाती है आवरेज काढ़ मन इच्छा पकई पड़ा मन रखे आवरेज काढ़े क्या कह आवरेज एन बै टू र्लस आप एन बै टू प्लस वन रोन कहे एन बै टू रहा एन बै एन प्लस वन बै टू रवरेज काढ़ आप आंसर बन जाए जमा भी यार ए फर्मुला एन बै टू पकई पलि आसेंगे कौन कहे एन बै टू पकई पलि आसेंगे आप दयाकारी आवरेज काढ़े क्लीयरली मैं द मीडियन विल बी आवरेज ऑफ एन बै टू एन प्लस एन बै टू प्लस वन यदि आप जिन भूली जाइए तो डेफिनेट एक्जाम भूल कर बुझेदे जिस भी भूल करेंगे ना गोटे एक्जामपल करता समस्त बुझा जाए चेस्ट करके से कहते मार्क अपटेन जो कोड़े है कोड़े कई जन पाइन यार छजन पाइन जन पाए कई जन छजन पाइन से अंतरीश पाइन कई जन अठाई जन यार अठाई जन अठाई स्कोर के पाइन चबीस जन तेतीस स्कोर पाइन पंद्रह जन ओके बयाल स्कोर पाइन दु जन ओके अड़तीस स्कोर चार जन एमती समस्ते पाइन से सिंगल भैल्यू थी बोले आराम से करदे बट ये आपको कौन दरकार समस्त बुझे कौन दरकार ए टेबुल तो आप एमती अरेंज करेंगे टोटल छह जन कौन कहे ए टेबुल तो आप नॉर्मल एमती मार्क ऑप्टेंट आउ नंबर फ्रीक्वेंसी के जन रखते कोड़े मार्क छह जन मैंने कोड़े 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 एमती आप लिखे कि गोटे डाटा बनला से पचीस भी कोड़े जन तो पचीस एमती लिखे कि पचीसा पचीस बनी ओके आशा करती मो क्या बुझे बट आपको ये सब क्वेश्चन को सल्व करने आपको कौन दरकार क्यूमुलेट फ्रिक्वेंसी दरकार क्यूमुलेट फ्रिक्वेंसी कौन दरकार बिकज आप नॉर्मल यार जब आप गोटे गोटे भैल्यू था कौन कहे आप जो दुई चार छह आठ नौ दस ये गोटे गोटे भैल्यू थी आपको कौन फर्मुला पकई पारे एन प्लस वन बै टू आप जो रहा आउ एन बै टू आप पकई करेंगे बट जिते बेले आपर भैल्यू आप नंबर अफ भैल्यू आप कौन जो देखते हैं फ्रिक्वेन्सी छटा कोड़ेटा तो एमती आपको क्यूमुलेट फ्रिक्वेन्सी काढ़ पड़ो तो मैक्सीम बुझेदे क्यूमुलेट फ्रिक्वेन्सी कितने काढ़े जितने आप नंबर अफ फ्रिक्वेन्सी अधिक थोड़ा नंबर अफ डाटा अधिक थी कारण जानते हैं स्ट्राटेजी कौन गोटे ग्रुप अफ रिप्रेजेंटेशन अफ डाटा तो ठीक अच्छे तमें क्यूमुलेट फ्रिक्वेन्सी केमी काढ़ा से पिला टेंशन कौन कहे क्यूमुलेट फ्रिक्वेन्सी केमी काढ़ा से टेंशन मुझे आप जगह बुझेबी आप नेक्स्ट से बुझा देखिए फास्ट टेबुल ये मुझे लिखी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन कहे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से आप लिखी देखिए आप बुझीपारे से ये बुझे मन रखे छः को छः रखे कौन कहे छः को छः रखे सेकेंड में जितने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आसे मन रखे छः सहित कोड़े को आड करदे कौन कहे तमें छः प्लस ट्वेंटी कौन कहे ये ट्वेंटी सिक्स बनीगला बुझीपाले किसी ओरिड दरकार नहीं थार्ड में आपको कहते मन रखे ये ट्वेंटी फोर अच्छी ना तो ये जगह क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे बनो टे भाई चीजें आंसर देखा चेस्ट करते मैक्सीम पे कौन करेंगे सबुदक आड कर दिखते कौन कहे सबुदक ठीक अच्छे मुझे आड कर देवी छः प्लस कोड़े प्लस आप चबीस के आपको ठीक होती कोड़े चालीस पचास तो समस्त बुझे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये पचास बनीगला यहाँ चबीस छब्बीस बनीगला यहाँ छः बनीगला कैसे इजिली यार बुझीगला नेक्स्ट हूँ अठाई आराम से कौन कर शब्द का आड कर दिया कौन कहे पुणी शब्द का आड कर दिया आप आंसर बन जाए सेमती आप डायरेक्ट मुझे लिखी पचास प्लस आप अठाईस ओके तो आप सेवेंटी एट बन जाए बिकज ये पचास अलरेडी थी एतक मिसले पचास बन चुकी अठाई मिसी आप सेवेंटी एट बनला सर पचास सर यार भी आंसर दे दिखाते ठीक अच्छे अलरेडी यार सेवेंटी एट जाए मुझे पड़ी एतक आड कले आप सेवेंटी एट बट मतलब पंद्रह को भी आड करने पड़ो प्लस फिफ्टीन कैसे इजिली पाई गले नाइंटी थ्री आशा करते यार बुझे नेक्स्ट मन रखिए चार को आड करते आपको कैसे बनबा ठीक होती यार नाइंटी थ्री प्लस चार आप कैसे बन पाइले नाइंटी सेवेन पाइले टू को आड करेंगे नाइंटी सेवेन प्लस टू आप नाइंटी नाइन पाइले आप वन को लास्ट आड करते कैसे नाइंटी नाइन प्लस वन आप हंड्रेड पाइले मन रखिए टोटाल मिसे सब आप क्यूमुलेट फ्रिक्वेंसी भी हंड्रेड पाए और टोटाल सब तक सम कले भी आप हंड्रेड पाए आशा करते समस्त बुझे मैंने जितकी डाटा जो थी सब हंड्रेड हो डाटा हंड्रेड रहा से हंड्रेड पाई आशा करती क्यूमुलेट फ्रिक्वेंसी का समस्त बुझे फास्ट छः कम पाई है सेकंड आप छब्बीस कम पाला बिकज दुटा का मिसेले थर्ड तीन टाक मिसेबे फोर्थ में चार्टा का मिसेबे फाइव में पांचटा का मिसेबे छः छटा का मिसेबे सात सातटा आठ आठटा इजी थी ना यार सेमती आप समस्त डाटा मिसाइए ये आपको कोड़े हो गला छब्बीस केमती है ठीक होती यार कोड़ी छः प्लस कोड़े कौन कहे छः प्लस कोड़े चब्बीस एट पचास केमती है छः प्लस कोड़े आप चबीस आशा करती मो क्या समस्त बुझे बर्तन आम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पाइल तो जितने आम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पाइले आपको डाटा थी आपको डाटा थी कौन दरकार एन बै टू गोटे आउ गए कैसे दरकार एन प्लस वन बै टू ठीक अच्छे एन बै टू
ହାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଆମର କେତେଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏଠି 100 ଥିଲା, କ'ଣ କହିଲେ 100 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟର୍ମ ଆପଣ 100ଟା ଥିଲା, ଡିଫେଣ୍ଡର 100/2 କ'ଣ କହିଲେ 100/2 କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣ 50 ହେଇଯିବ, ତା ସହିତ 100/1/2 କେତେ ହେଇଯିବ 50 ପ୍ଲସ୍ ରହିବ ମାନେ 50.5 ରହିବ। ଡିଫେଣ୍ଡର କେଉଁ କେଉଁ ଡାଟା ପିକ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସେଇ ଡାଟାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ 50 କୋଡ଼ି ହେଉଛି, ଡିଫେଣ୍ଡର 8 ଅଛି, ତ ଏଇ ଡାଟା ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା ମାର୍କ ଅପ୍ରେ 28 ପିକ୍ କରିବେ, କ'ଣ କହିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ 28 ଡାଟା ପିକ୍ କରିବେ। ସେମିତି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି 50 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଡିଫେଣ୍ଡ ଏଇ ଡାଟାକୁ ପିକ୍ କରିଦେବା, ତ ଏଇଟା ଆପଣ 29 କ'ଣ କହିଲେ ଏ ଦୁଇଟା କଞ୍ଜୁକେଟିଭ ପିକ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 29, ତ ଡିଭାଇଡ୍ କେତେ ହେଲା 28 + 29/2 ଆପଣ ଦୁଇଟା ଆଡ୍ କଲେ କେତେ ହେଉଛି ଠିକ୍ ହେଉଛି 57/2 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ହେଇଯିବ 28 ଓକେ 28 ଓକେ 28.5 ଓକେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ରହିଲା ସରି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ କାଢ଼ିବା ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି କାଢ଼ିଦେଲି, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଆନ୍ସର୍ କରିନି। ଆପଣ 28.5 ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଆଭରେଜ୍ କାଢ଼ ନେବେ, କ'ଣ କହିଲେ ଆଭରେଜ୍ କାହାର କାଢ଼ିବେ ଏ ଯେଉଁ n/2 ଆଉ ଗୋଟେ n+1/2 ଦୁଇଟାକ ସମ୍ର ଆଭରେଜ୍ କାଢ଼ ନେବେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ କାଢ଼ିବା ବୁଝିଗଲେ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ମନେ ଥିବେ ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଲା ପୁଣି କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ସାର୍ ଆପଣ n/2 ଥିଲା ଠିକ୍ ଲେଖିଲେ 100/2 ଲେଖିଲେ କେତେ 50 ପାଇଗଲେ, ଏ 50ଟା ଆଦ୍ରୁ ପିକ୍ କରିଆସିଲା ନା ଆଦ୍ରୁ, ମନେ ଥିବେ ଏ 50ଟା କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରୁ ପିକ୍ କରିବେ, କ'ଣ କହିଲେ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି n+1/2 ଓକେ, ତ ଏଇଟା ତ ଡିଫେଣ୍ଡରେ 50 + ଅଧିକ ରହିବ, କ'ଣ କହିଲେ 50, ତ ଡିଫେଣ୍ଡ ତା ପର ଡାଟା ପିକ୍ କରିଦେବେ, 50 କରୁଥିଲା 50 ଏଇଠି ଥିଲା, ତ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପିକ୍ କରିକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେବା। ସେମିତି ଆଠୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ପିକ୍ କରିବେ, କ'ଣ କହିଲେ ଆଠୁ ଅଧିକ, ଡିଫେଣ୍ଡ 50/78 ଭ୍ୟାଲୁ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ମାର୍କ ଥିଲା 28 ଥିଲା ଗୋଟେ 29 ଥିଲା, 28 29/2 କଲେ ଆମେ ଆଭରେଜ୍ ପାଇଯିବା, କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଆଭରେଜ୍ ପାଇଯିବା। କେବେ ବି ଆର 26 ମାନେ ସେ 50ରୁ କମ୍ ଡାଟାକୁ ପିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିଲେ 50ରୁ କେବେ କମ୍ ଡାଟାକୁ ପିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା। ନେକ୍ସଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୋଡ଼, ମୋଡ଼ ହେଉଛି ଭାଇ ସବୁଠୁ ହେଇଛି, କ'ଣ କହିଲେ ମୋଡ଼ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ହେଇଛି ଯାହାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ ସିଏ ମୋଡ଼, ଯେମିତି ୟାର ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓକେ ଓକେ। ଏଠି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛି 2 ଅଛି, 6 ଅଛି, 4 ଅଛି, 5 ଅଛି, 0 ଅଛି, 2 ଅଛି, 1 ଅଛି, 3 ଅଛି, 2 ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଥିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବନିଯିବ ମୋଡ଼ ବନିଯିବ, କ'ଣ କହିଲେ ମୋଡ଼ ବନିଯିବ କି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଥିବ, କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରିପିଟେସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଥିବ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯାହାର ଅଧିକ ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବନିଯିବ ମୋଡ଼ ବନିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥରେ 2 କେତେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଫାର୍ଷ୍ଟ 0ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ବେଟର ରହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 0 କେତେ ଅଛି, 0 କେତେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଥିଲା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, 1 କେତେ ଅଛି 1 ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଓକେ, 2 କେତେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 3ଟା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣ 2 ରହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ 2 ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 2 3ଟା ଅଛି ବୁଝିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 3 ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ଆପଣ ଇଏ ଗୋଟେ 3 ରହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣ 3 ରହିଲା, 3 2ଟା ଅଛି ଓକେ, 4 କେତେ ଅଛି 4 ଗୋଟେ ଅଛି, 5 ଗୋଟେ ଅଛି, 6 ଗୋଟେ ଅଛି, 4 ଗୋଟେ ଅଛି, 5 ଗୋଟେ ଅଛି, 6 ଟେବୁଲ ତ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ କିଏ ଅଛି ଠିକ୍ ହେଉଛି, 2 ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି 3 ଥର, ତ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମୋଡ଼ କେତେ 2 ସରିଲା, କେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଚାପ୍ଟର ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଉ ଚାପ୍ଟର କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଆକୁ ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ବୁକ୍ ଆପଣ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ବୁକ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ନେଟ୍ରେ ତା ଦେହରୁ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 1 ତାପରେ 2 ତାପରେ ଲେଖିଲି 3 ତାପରେ ଲେଖିଲି 4 ଓକେ 5 ଓକେ ସରି 4 ତାପରେ ଲେଖିଲି 5 ତାପରେ ଲେଖିଲି 6 ଦେଖିକି ମୋତେ ଏଠି କହିଲେ ମୋଡ଼ କିଏ, ସମସ୍ତେ ବି ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ୟାର ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲେ, ବିକଜ୍ ୟାର 1 2ଥର ଥିଲା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥର ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ଆପଣଙ୍କର 3ଥର ଥିଲା, ତାପରେ 3 ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4ଥର ଥିଲା ୟାର, ବଡ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 4ଥର ଥିଲା, ତାପରେ 5 5ଥର ଥିଲା, କ'ଣ କହିଲେ 5 5ଥର ଥିଲା, ଡେଫିନେଟ୍ 6 2ଥର ଥିଲା, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଅଧିକ କିଏ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, 5 5ଥର ଥିଲା, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ ମୋଡ଼ ବନିଗଲା କିଏ 5। ଆଶା କରୁଛି ମିନ୍ ମିଡ଼ିଆ ମୋଡ଼ରେ ଯାହା ବି କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ସବୁତକ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆର ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟ୍ ଭଲ ସ୍କୋର କରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଡେଫିନେଟ୍ କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ନୂଆ କିଛି କନସେପ୍ଟ ଦେଖାହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।